भाई आगे चले। हाँ सर। सर नेक्स्ट एक क्वेश्चन मिनट। लिखते हैं। सर बेटा सर एक मिनट की वो लास्ट वाला पेज दिखाओ। लास्ट वाला पेज दिखाऊं या यही? ये यस सर। हाँ सर हो गया। थैंक यू। अगर हम एक प्रोजेक्टाइल को यू स्पीड से फेंकते हैं 10 एंगल थीटा पे, तो फाइंड इट्स स्पीड एट ए पॉइंट, फाइंड इट्स स्पीड एट ए पॉइंट where it moves in the direction perpendicular to its initial velocity. सर से स्पीड तो सेम होगा ना शायद। सर सेम होगा ना यू स्पीड से ही वो नीचे मतलब आएगा। बोला कि इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगी। इनिशियल वेलोसिटी डायरेक्शन क्या है? ये वाली डायरेक्शन आया ना, इसके परपेंडिकुलर कहीं कहाँ होगी? यहाँ कहीं होगी। सही बात है गलत बात? Yes, sir. भाई तो यहाँ कहीं पे इसकी वेलोसिटी परपेंडिकुलर होगी इनिशियल वेलोसिटी। तो वो वेलोसिटी कितनी होगी उस पॉइंट पे, ये बताना है आपने। तो कैसे करोगे?
अगर ये इसके परपेंडिकुलर है तो ये लाइन कितना एंगल बना रही थी ओरिजिनल से, ठीक है आया ना, तो ये टोटल एंगल 90 होना चाहिए, तो ये एंगल कितना होना चाहिए 90 माइनस थीटा, सुन रहे हो भाई? यस सर। इसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल होगा 90 माइनस थीटा। इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है, v cos 90 माइनस थीटा एंड v sin 90 माइनस थीटा। अरे हाँ यानी यस सर। तो cos 90 माइनस थीटा तो हो गया v sin थीटा और ये हो गया v cos थीटा, राइट? Yes. हमारी वेलोसिटी के भी दो कंपोनेंट थे, v cos थीटा, u cos थीटा एंड u sin। तो लेकिन हमें ये पता है कि हॉरिजॉन्टल की वेलोसिटी तो वही रहती है, तो u cos थीटा किसके बराबर होना चाहिए? v cos 90 माइनस थीटा, v sin थीटा के बराबर, v sin थीटा। तो v किसके बराबर आ गया? हमें यही तो बताना था ना कि इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है। सर हाँ बोलिए सर, वो u cos थीटा इज इक्वल टू v sin थीटा वाला पार्ट नहीं समझ भाई। हॉरिजॉन्टल की वेलोसिटी तो पूरे प्रोजेक्टाइल में सेम ही रहती है ना कहीं भी? हाँ सर। तो बस यहाँ की ओरिजिनल की वेलोसिटी v sin थीटा है, यहाँ पे ओरिजिनल की वेलोसिटी u cos थीटा, ये दोनों बराबर होनी चाहिए ना? यस सर। यही किया बस, ये समझा गया? ओके सर समझ। हाँ सर समझ। अगर आपसे ऐसा पूछ ले बताओ कि कितनी देर बाद ये किस टाइम पे हुआ ये कहानी, ठीक है ना, टाइम पूछ लिया जाए तो कैसे सॉल्व करोगे? फाइंड द टाइम आफ्टर विच वेलोसिटी बिकम्स परपेंडिकुलर टू इनिशियल वेलोसिटी। सर हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं टाइम पर? हाँ, तो टाइम पे वैलिड है तो लगाइए। हाँ जी करो सॉल्व। किस टाइम पे हुई हाँ, तो टाइम देखो हॉरिजॉन्टल की वेलोसिटी से तो बता ही नहीं सकते आप, क्योंकि हॉरिजॉन्टल की वेलोसिटी तो हर टाइम पे सेम ही रहती है। वर्टिकल की वेलोसिटी कितनी आई? v की वैल्यू अपने को पता है कितना है, u cos थीटा। तो u cos थीटा को cos अपॉन sin किया, cos के थीटा अपॉन sin थीटा, राइट? यस सर। यस सर। अब हमें ये पता है कि अभी वर्टिकल की वेलोसिटी से अपन सॉल्व कर सकते हैं कि uy वेलोसिटी थी और इससे ये vy होने में कितना टाइम लग गया। अगर ये टाइम पता लग गया तो अपने को ये टाइम पता लग गया कि कब परपेंडिकुलर हो रही है, सही बात है गलत बात? सर अपने वो कैसे लिख V की वैल्यू पुट कर दी जो मैंने निकाली थी। ओके ओके। अरे हाँ है ना, तो मैं ये टाइम निकाल रहा हूँ कि जब वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक चेंज होगी, समझ में आ रही है बात?
इस पे इसमें कितनी चेंज हुई, कितनी देर में यहाँ से यहाँ तक चेंज होगी, तो वी वाई नीचे की ओर है कितना आएगा, यू वाई ऊपर की ओर है, एक्सेलेरेशन नीचे की ओर है, इनटू टी, सही बात है गलत बात? तो यहाँ से टी की वैल्यू किसके बराबर आएगी, यू साइन थीटा प्लस यू कोस थीटा। सर ये नहीं समझ रहा भाई, तो समझने की कोशिश तो कर मेरे भाई, वो खत्म नहीं हो रहा। हमने हाँ बोल क्या था सर, हमने सर हमने वहां पर कौन सा फॉर्मूला यूज किया है सर, मतलब क्या हमने वहां पर डायरेक्टली डिस्टेंस निकाल लिया? डिस्टेंस कहाँ निकाल रहा हूँ मैं, तो ये बोल रहा हूँ कि ये वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक कैसे चेंज हुई, कितना टाइम लगा इसको चेंज होने, ये फाइनल वेलोसिटी तेरे को पता है, इनिशियल वेलोसिटी तेरे को पता है वाई डायरेक्शन की, तो इसके बीच में टाइम नहीं बता सकता क्या, टाइम ही तो बताना है कि भाई ये वेलोसिटी से ये वेलोसिटी चेंज होने में कितना टाइम लगा बस, और वो टाइम जो होगा वही टाइम होगा कि वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो रही है, सही बात है गलत बात? यस सर। किसी बच्चे ने वीडियो चालू किया है, बंद कर दो यार, क्योंकि फिर वो स्क्रीन पे आता है ये। सर फिर सिंपलीफाई करके u अपॉन g sin थीटा लिख सकते हैं ना? हाँ भाई दोबारा बोल, क्या बोल रहा है सर, इसको और फर्दर सिंपलीफाई कर सकते हैं ना? कैसे, अब आगे तो मैथमेटिक्स का करता रहे यार, नीचे g sin थीटा को कांस्टेंट ले ले, जी sin थीटा को एलसीएम ले ले, तो ये बनेगा यू sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो ऊपर यू बन जाएगा और नीचे जी sin थीटा बन जाएगा, राइट? यस सर, ऊपर यू बन जाएगा नीचे जी sin थीटा, यू अपॉन जी sin थीटा, इतना टाइम लगेगा, राइट? एलसीएम ले लो भाई, नीचे आगे चलो कॉपी करना, हो जाए तो डन बोल देना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री मतलब इक्वेशन ऑफ पाथ, ठीक है ना, इस पाथ के अलोंग पार्टिकल मूव करेगा ना, उस पाथ की इक्वेशन क्या होगी ये अपने को बताना है, राइट? जैसे मान लेते हैं कि एक पार्टिकल को यहां से प्रोजेक्ट किया गया एंगल थीटा पे, राइट? तो ये अपना मोशन कर रहा है, ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि इसको x एक्सिस ले लिया और इसको y एक्सिस ले लिया, तो इसका पाथ भी एक y x प्लेन के अंदर एक इक्वेशन बनेगी ना इस पाथ की, सही बात है गलत बात? ये इक्वेशन बता रही है आपको, यस सर, y एज ए फंक्शन ऑफ x क्या होगा ये अपने को फाइंड करना है, सेम में आ रही है बात? तो लेट अस सपोज अपन इसको ओरिजिन से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मतलब आपको बताना है कि कोई भी x दूरी पर चला जाऊं तो y की वैल्यू क्या होगी, राइट? ठीक है ना, कोई भी x की दूरी पर चला जाऊं तो y कितना होगा, तो मान लेते हैं कि t इक्वल टू जीरो पे आपने प्रोजेक्ट किया इसको,
और ये टी इक्वल टू टी पे यहाँ पहुंच गया। तो इसमें दो मोशन हो रहे हैं एक्चुअली, एक हॉरिजॉन्टल का और एक वर्टिकल का। अरे हाँ है ना, हॉरिजॉन्टल का हो रहा है यू कॉस थीटा से, वर्टिकल का अपन ने फेंका है यू साइन थीटा से। सुन रहे हो मेरे भाई, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है। तो ये टी टाइम में यहाँ पहुंचेगा वाइट और ये टी टाइम में एक्स चल लेगा। अरे हाँ या ना, तो एक्स को क्या लिखोगे तुम, यू कॉस थीटा इंटू टी, एंड वाई को क्या लिखोगे बताओ भाई, वाई को क्या यू साइन थीटा इंटू टी, यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, राइट? यस सर। तो यहां से टी कितना आया सर, यू कॉस थीटा इनटू टी कैसे होगा, क्योंकि ओरिजिनल की स्पीड कांस्टेंट है, तो ओरिजिनल में तो जितना भी मूव करेगा कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा ना। हां सर। और यहां पे यू साइन थीटा टी इनटू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलेरेशन है वर्टिकल के अंदर, सही बात है बात? Yes, sir. अब हमें इस वाई और एक्स में रिलेशन बताना था, तो फालतू कौन है टी, सही बात है बात? तो टी को हटाओ, टी इन दोनों के बीच में रिलेशन स्थापित करेगा, तो यहाँ से टी निकालो कितना आएगा, कितना, तो यहाँ पे टी की जगह ये वैल्यू पुट कर दो, समझ में आ रही है बात? आवाज ही नहीं आ रही है सर, क्या क्यों किया बता, दोबारा पूछ, क्या पूछ रहा था? क्या पूछ रहा है, पूछ सर। वो कह रहा है टी सब्ट्रैक्ट क्यों किया, उसको आवाज नहीं। टी मेरे को फालतू लग रहा है, क्योंकि मेरे को वाई और एक्स में रिलेशन स्थापित करना है, तो टी को एलिमिनेट करना है मुझे, टी को हटाना है, तो टी की जगह कुछ और पुट करूंगा, क्या पुट करूंगा, यहां से टी आया एक्स अपॉन में यू कॉस थीटा, राइट? उसको यहाँ पे पुट कर दिया, तो यहाँ पे कौन आया, ये आया यू साइन थीटा इनटू एक्स अपॉन में यू कॉस थीटा, राइट? यस सर। माइनस का हाफ, माइनस हाफ जी इनटू टी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, एक्स अपॉन में यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, राइट? कितना आएगा ये, yes. y is equal to x tan theta, u से u कैंसिल हो जाए, sin theta upon cos theta माइनस का g x square upon 2 u square cos theta, अरे हाँ है ना, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री y versus x, राइट? Yes. अरे तकलीफ है क्या? नो सर। अब यहाँ पे देखिए बाकी सारी चीजें कॉन्स्टेंट, ठीक है, हमारे पास y और x में रिलेशन है, तो थीटा की वैल्यू कुछ ना कुछ गिवन होगी, उसके अकॉर्डिंग tan थीटा आ जाएगा, g की वैल्यू फिक्स है, 2 u स्क्वायर फिक्स है, थीटा की वैल्यू कुछ ना कुछ फिक्स होगी, तो y वर्सेस x में जो ये रिलेशन बना है ये कितने डिग्री का इक्वेशन है, y x के ऊपर जो डिपेंड कर रहा है, किस टाइप की इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, 4 डिग्री है, कैसे? क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक है, सेकंड डिग्री इक्वेशन है ना x स्क्वायर, तो y जो है वो x, इसलिए वो डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला जैसा आया, ग्राफ होगा, राइट? तो प्रोजेक्ट इज पैराबोलिक सर, और इसमें देखिए x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट जब क्वाड्रेटिक में नेगेटिव होता है तो डाउनवर्ड पैराबोला होता है ना, ओपनिंग डाउनवर्ड, सुना है क्या आपने? हाँ सर। मैथमेटिक्स में क्वाड्रेटिक पढ़ लिया क्या आप लोगों ने?
नहीं सर वो टेंथ में था ये वाला पार्ट नेगेटिव वेक्टर का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो ये डाउनवर्ड पैराबोला होगा ये देखिए डाउनवर्ड पैराबोला है ओपनिंग डाउनवर्ड राइट यस सर तकलीफ है क्या बेटा किसी को अब समटाइम्स अपने को पता है क्या दिया होता है हमें ये x दिया होता है कि यहाँ पे देखो 10 मीटर पे है ना इसकी हाइट 4 मीटर थी ऐसे बोल सकता है सही बात है और हमने इसको yes. स्पीड से प्रोजेक्ट किया 10 से u दिया हो सकता है हमें निकालना होता है थीटा के बताओ किस एंगल पे फेंका होगा कि जब ये 10 मीटर पे पहुंचा तो इसकी हाइट 4 मीटर हो ऐसे पूछ सकता है थीटा पूछ सकता है राइट x और y नॉन हो अरे हाँ है ना और थीटा yes, निकाल yes, तो अगर मैं एक्स वाई की वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दू यू की सबकी वैल्यू पुट कर दू तो मेरे पास तो अननोन टर्म होगी वहां पे कौन कौन से एक्सप्रेशन अननोन रह जाएंगे एक्स और टैन थीटा और कॉस थीटा अब एक इक्वेशन में टैन थीटा भी है और कॉस थीटा भी है तो या तो मैं टैन थीटा निकाल सकता हूँ या फिर मैं कॉस थीटा निकाल सकता हूँ एक इक्वेशन में दोनों चीजें तो मैं कैसे निकालूंगा राइट हाँ सर अरे हाँ या ना इसलिए मैं क्या करूंगा इन दोनों को कोई एक ही फंक्शन में लिखूंगा या तो टेन में लिख दो या पूरे पूरे को कॉस में लिख दो तो कॉस को टेन में लिखना इजी है देखिए कि जब अपने को थीटा फाइंड करना होगा ठीक है ना व्हेन थीटा इज अननोन एंड वी हैव टू फाइंड थीटा तब अपन क्या करेंगे कॉस को टेन में लेके आएंगे कैसे बाकी सारी इक्वेशन सेम है डी एक्स स्क्वायर अपॉन में टू यू ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा secant square और secant square को क्या लिख सकते हो 1 plus tan square 1 plus tan square theta right अरे हाँ या ना yes तो जब अपने को theta find करना हो तब अपन ये form जब use करें सही बात है कल तब जब theta find करना हो या और ये मतलब एक स्पेसिफिक केस हो गया कि उसके लिए यूज करेंगे अदरवाइज आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कि कौन सी फॉर्म यूज करोगे अरे हाँ या ना यस इस इक्वेशन की एक और फॉर्म भी है क्या इसमें से देखिए एक्स टेन थीटा को बाहर कॉमन ले लेता हूँ तो ये क्या बनेगा यहाँ पे क्या रह जाएगा और अंदर वाले में क्या रह जाएगा एक एक्स तो बाहर आ गया एक एक्स रह गया राइट और नीचे टू यू स्क्वायर हो गया लेकिन टेन थीटा भी तो बाहर लिया टेन थीटा था ही नहीं इसमें और जबरदस्ती टेन थीटा बाहर ले लिया तो अपन क्या करेंगे नीचे टेन थीटा से डिवाइड कर देंगे राइट यस सुन रहे हो भाई यस सर कि हमने ये मान लिया कि टेन थीटा से मल्टीप्लाई किया टेन थीटा से डिवाइड किया और जिस टेन थीटा से मल्टीप्लाई किया था वो तो बाहर चला गया और जो डिवाइड किया था जिससे वो रह गया सही बात है मतलब yes. अब इस टेन थीटा को क्या लिख देंगे इसको यहाँ से लिख देंगे साइन थीटा अपॉन कोस थीटा राइट लिख देंगे yes. तो ये क्या बनेगा एक्स टेन थीटा इंटू वन माइनस एक्स जी एक्स और ऊपर जाएगा cos थीटा तो cos थीटा तो कैंसिल हो गया ऊपर हां सर cos थीटा sin तो नीचे आएगा u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा राइट यस सर तो यहां पे cos थीटा रह गया और यहां पे एक sin थीटा रह गया है ना इस sin थीटा नीचे cos थीटा था तो वो cos थीटा से cos थीटा एक कैंसिल हो गया राइट हां सर सॉरी वो 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा बन ये sin 2 थीटा बन गया This becomes sin 2 theta. तो ये पूरी टर्म क्या बन गई सर 1 by r शायद हां u square sin 2 theta by t तो 1 by r हो गया ना ये तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि y is equal to x tan theta into 1 minus x by r right तो एक हमारे पास तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री की फॉर्म है वो ये वाली की है
थर्ड वाली की क्या स्पेशलिटी है कि इसमें हमें इनिशियल वेलोसिटी का कोई लेना देना नहीं, राइट। इनिशियल वेलोसिटी अगर अपने को नहीं पता हो और एक्स वाई पता हो या फिर आर पता हो तो अपन थीटा वगैरह आसानी से निकाल सकते हैं, राइट। सर मतलब तीन इक्वेशन थीटा से रिलेटेड है, एक एक्स वाई से करने के लिए तीन अलग अलग रेंज से। हाँ पूछ, क्या पूछ रहा है? वेन वैल्यू है उसके हिसाब से इक्वेशन यूज कर सकते हैं, मतलब थीटा के उस पे एक्स वाई के टर्म्स में या फिर रेंज दिया है तो। हाँ वो तो देखो ना, क्वेश्चन की स्टेटमेंट से अपने को पता आइडिया लग जाना चाहिए कि कौन सी इक्वेशन का यूज करना चाहिए, राइट। क्वेश्चन आएगा तो उससे आइडिया लग जाएगा आपने और क्वेश्चन की प्रैक्टिस से पता लग जाएगा आपको, राइट। मैं बता देता हूँ कि इसमें तो थीटा निकालना जब यूज करेंगे, इसमें जब यू की वैल्यू नहीं पता हो, इनिशियल वेलोसिटी जब नहीं पता हो तब ये वाला यूज करेंगे, रेंज पता हो। सर हम नीचे वाला भी थीटा निकालने के लिए यूज कर सकते हैं? कर सकते हैं अगर रेंज पता हो तो, है ना, रेंज पता होनी चाहिए। यस सर। तो अपन थीटा निकालने के लिए नीचे वाले का यूज कर सकते हैं, राइट। आगे चले, यस सर। Find theta so that the projectile can hit the target.
हमें y वर्सेस x में, तो ये जो भी प्रोजेक्टाइल होगा, ठीक है ना, इस हिसाब से हमें इसके कोई x पे अपने को कोई y पता है, हमें पता है कि x इक्वल टू 20 जब होगा तो y की वैल्यू क्या है, राइट। तो इस इक्वेशन में मेरे को थीटा निकालना है, तो आई विल यूज x tan थीटा माइनस g x स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर, cos स्क्वायर की जगह लिख दूंगा ऊपर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, राइट। x की वैल्यू 20 पुट करूंगा, y की वैल्यू 10 पुट करूंगा, u की वैल्यू 20 पुट करूंगा, ठीक है। तो 10 इज इक्वल टू 20 tan थीटा माइनस g 20 का स्क्वायर अपॉन 2 20 का स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर, आया ना। यहाँ से देखें 20 स्क्वायर से 20 स्क्वायर चला जाएगा, 2 से ये चला जाएगा 5 पे, फिर ये 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 पे चला गया, ये tan स्क्वायर थीटा माइनस का है उधर जाके प्लस का हो जाएगा, ये 4 tan थीटा उधर जाके माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस 1 जो है उधर जाके प्लस 1 हो जाएगा, तो इट विल कम आउट टू बी थीटा इज इक्वल टू 3 एंड 1, आया ना सर। जी का वैल्यू माइनस 10 नहीं लेंगे? नहीं भाई, ये इक्वेशन जब अपन बना रहे हैं ना, जब ये इक्वेशन बनाई थी तो यहाँ पे जी को माइनस जी ले लिया था, जब वेक्टर इक्वेशन होती है ना तब अपन साइन का विशेष का ध्यान रखते हैं, यहाँ पे ये वेक्टर इक्वेशन है हाफ ए टी स्क्वायर, तो यहाँ पे अपन साइन का विशेष का ध्यान रखते हैं। अब अपन जी का साइन सब कुछ ले चुके हैं, अब ये इक्वेशन हमारी साइन के साथ आई है, ये माइनस किसकी वजह से आया था, इस जी की वजह से तो आया था ना। यस सर। अब यहाँ पे केवल मैग्नीट्यूड पुट करना है आपको, राइट। यस। एक्स वाई टेन थीटा इन सबका मैग्नीट्यूड पुट करना है, यू का वगैरह का सबका, राइट। यस सर। अरे हाँ, है ना, तो टेन थीटा की वैल्यू हमारे पास, ये वेक्टर इक्वेशन नहीं है, ये स्केलर इक्वेशन है, वाई और एक्स में रिलेशन बता रही है। जब भी वेक्टर इक्वेशन बना रहे होते हैं ना अपन, वेक्टर इक्वेशन के लिए अपन साइंस का विशेष कर ध्यान रखते हैं, तो टेन थीटा की वैल्यू 3 होगी और टेन थीटा की वैल्यू 1 होगी, तो दो ऐसे थीटा पॉसिबल होंगे जहाँ पे अपन फेंक सकते हैं। तो सर दो पे कैसे पॉसिबल हुए? एक तो वो पॉसिबल हुआ जब टेन थीटा की वैल्यू 1 हो, तो वो अपने सबको पता है कि टेन थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, और दूसरी वो है कि जब tan थीटा की वैल्यू 3 हो। इन दोनों में से बताओ कौन से वाला थीटा बड़ा होगा, पहले वाला या दूसरे वाला? दूसरे वाला बड़ा होगा ना, ऑब्वियसली दूसरा वाला, tan थीटा थीटा के साथ बढ़ता है, दूसरे वाला थीटा बड़ा। एक तो अपन पहले छोटे एंगल पे फेंका पाई बाय 4 पे, तो इसने जाते हुए हिट किया, ऐसे ऊपर जा रहा था जाते टाइम हिट किया, और जब अपन इस थीटा पे फेंकते हैं ना, ये वाला थीटा कितना है, tan इनवर्स 3 होगा, अपने को नहीं पता कितना है, बस अपन ऐसे लिखते हैं, तो ये थीटा ऑब्वियसली इससे बड़ा होगा, राइट। जब अपन इस एंगल पे फेंकते हैं ना tan इनवर्स 3 पे, तो ये क्या करता है प्रोजेक्टर, ऊपर जाके जब वापस आ रहा होता है आते टाइम हिट करता है, राइट। अरे हाँ, है ना। यस सर। वापस आते टाइम हिट करता है, वैसे दो एंगल पे वो ऐसे पॉसिबल है जब वो प्रोजेक्टर यहाँ पे हिट करेगा। हम तो एक्चुअली वो एंगल निकाल रहे हैं कि बताओ क्या एंगल होना चाहिए कि इस एक्स पे ये वाई आए, समझ में आ रही है बात। हम तो एक्चुअली वो सोल्व कर रहे हैं, हिट विट से अपने कोई मतलब नहीं है। बताओ ऐसा कौन सा एंगल होना चाहिए कि एक्स की वैल्यू 20 रखने पे वाई की वैल्यू 10 आए, तब यू इतना है। तो इसने बता दिया कि देखो इस केस में भी हो सकता है, इस केस में भी हो सकता है, ये केस, राइट। अरे आया ना। यस सर। आगे चलूं? Yes, sir. Yes. Next, sir. A ball is thrown from ground. Ball is thrown from ground. लिख लो भाई। A ball is thrown from ground
so as to just clear a wall, so as to just clear a wall, so as to just clear a wall 4 meter high. लिख रहे हो ना सभी लोग? Yes sir. So as to just clear a wall, wall मतलब दीवार. So as to just clear a wall 4 meter high at a distance 4 meter from the point of projection. So as to just clear a wall 4 meter high at a distance 4 meter, 4 मतलब 4, 4 meter from the point of projection. सर वो लास्ट वाला डेटा रिपीट करेंगे आप? क्या कह रहा है सर? वो जो हाइट के बाद जो आपने बोला सर, जस्ट क्लियर अ वॉल ऑफ हाइट, उसके बाद जस्ट क्लियर अ वॉल 4 मीटर हाई एट अ डिस्टेंस 4 मीटर हाई एंड एट अ डिस्टेंस 4 मीटर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन and at a distance 4 meter from the point of projection. If the ball falls at a distance 14 meter from wall, find magnitude of initial velocity and direction of projection. सर एक बार वन को मैं रिपीट कर सकते हैं? हाँ नहीं सर कुछ सर, फिर रेंज ये 18 मीटर हो जाएगा ना? हाँ सर. हाँ जी बोलो, क्या कह रहे हो? सर मैं बोल रहा था कि रेंज 18 मीटर हो जाएगा ना. समझ गए? सर क्या थीटा कोई मतलब जनरल वैल्यू नहीं है जो हमें पता है? मतलब क्या वो इनवर्स में है क्या कोई? हाँ निकालना पड़ेगा ना आपको, इनवर्स में भी आ सकता है. ओके सर. टैन थीटा निकाल सकते हैं? 45 तो नहीं होगा, आपको ये मत बोल देना 45 होगा, ऐसे डायरेक्ट थोड़ी जाएगी बॉल.
दीवार बोल हाँ सर ठीक है ना, ऐसा एकदम लाइन में थोड़ी जाएगी सर। मतलब पेरा कोई परफेक्ट सर, मतलब जो परफेक्ट कोई है क्या, मतलब वैल्यू थीटा। ओके सर, ओके सर, मैं चाह रहे हो निकाल के आंसर दो ना कितना आएगा, बस पहले आंसर पूछना चाह रहे हो तो मैं डायरेक्ट आंसर ही बता देता हूँ, बोलो। नहीं सर, सर वैसे निकाल दी है सर, लेकिन यू बचा है। देखिए कैसे करेंगे इसको, हमें कोई एक्स पे कोई वाई पता है सर, पहले टैन थीटा निकाल लिया, आंसर है थीटा इक्वल टू टैन इनवर्स 9/7 और इसमें जी की वैल्यू 9.8 लोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा राइट। D की वैल्यू 9.8 लोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, तो U की वैल्यू है अंडर रूट 180 अगर 9.8 लोगे। सर U कैसे निकाला आप बताएंगे, क्या बोल रहे हो U कैसे निकाला आप बताएंगे? हाँ बताएंगे ना, सारा एक्सप्लेन ही कर रहा हूँ ना, देख लेना। तो u एंगल स्पीड से फेंका है, मैं तो अपने u पता ना थीटा पता, तो अगर अपन फर्स्ट इक्वेशन यूज करते हैं तो इसमें हमें u की जरूरत है या फिर थीटा की भी जरूरत है, तो या तो थीटा पता हो या u पता हो, तो अपन जैसे थीटा पता होता तो अपन u निकाल लेते, u पता होता तो थीटा निकाल लेते, लेकिन ये इक्वेशन का कोई काम नहीं है राइट। हमें यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमें रेंज पता है राइट, हम रेंज वाली इक्वेशन का यूज करें।
अब हमें ये भी पता है कि x इक्वल टू फोर पे y की वैल्यू 4 है, वन माइनस फोर रेंज कितनी है 18, आया ना, तो ये आएगा tan थीटा इज इक्वल टू 18/14, दैट इज 9/7, तो थीटा की वैल्यू आ गई 10 inverse 9/7, आया ना। अब अपने को u निकालना yes, sir. तो या तो एक काम ये कर सकते हो कि इस इक्वेशन में tan थीटा पुट करो, cos थीटा पुट करो, u निकालो, बट हमें रेंज पता है ना, तो रेंज का फॉर्मूला लगाओ ना डायरेक्ट, सर। लेकिन फिर साइन थीटा कॉस थीटा को फिर कैसे लिखेंगे? अपने को पता है साइन थीटा कॉस थीटा, जब टेन थीटा पता लग गया तो साइन थीटा कॉस थीटा भी बता सकते हो। कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर टेन थीटा की वैल्यू 9/7 है तो साइन थीटा कितना होगा? 9/√1 30, राइट? कॉस थीटा कितना होगा? 7/√1 30। यस सर। अगर आपको कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पता है आप बाकी कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकाल सकते हो, sec थीटा, cos थीटा, cosec थीटा, इस तरीके से एक ट्रायंगल बना के, समझे क्या? हाँ सर। यस सर, समझ गया। तो रेंज है हमारे पास 18, u स्क्वायर अपने को निकालना है, sin 2 थीटा नहीं पता है, sin थीटा पता है, cos थीटा पता है, तो 2 थीटा हो जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा, राइट? g की वैल्यू 9.8 ले रहा हूँ, और ये कितना आएगा? ये 14 पे जाएगा, 1.4 है ना, ये 9 × 2 = 18, तो u स्क्वायर आएगा 130 × 1.4, आया ना, तो u की वैल्यू √182 आ जाएगी। समझ में आ रही है बात? आगे चलूं भाई? यस सर। नेक्स्ट इज प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ए हाइट। Projectile from a height. Let us suppose हमारे पास एक बिल्डिंग से अपन कोई प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं या कोई पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, राइट? इसमें अपन सबसे पहले केस यही कर रहे हैं कि प्रोजेक्शन पैरेलल टू द ग्राउंड, पैरेलल टू द ग्राउंड। हम पार्टिकल को जो वेलोसिटी दे रहे हैं वो ग्राउंड के पैरेलल दे रहे हैं,
समझ में आ रही है बात? यस सर। तो इसमें वही चीजें निकालनी है अपने को, एक तो कितनी देर में ग्राउंड पे पहुंच जाएगा, आपको हाइट पता है, फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, सेकंड है हॉरिजॉन्टल रेंज, सर वो प्रोजेक्शन के बाद में क्या लिखा है? पैरेलल टू द ग्राउंड है, मतलब थीटा जीरो होगा। हाँ जी कितनी देर में नीचे पहुंच जाएगा, तो इसमें भी वही चीज है कि ये मोशन इस तरीके से होगा। तो यहाँ पे अपन दो मोशन कंसीडर कर सकते हैं, एक तो इसको हॉरिजॉन्टल का मोशन राइट, और एक इसको वर्टिकल का मोशन। अरे हाँ या ना? यस सर। तो हॉरिजॉन्टल का मोशन तो यू स्पीड से ही हो रहा है क्योंकि इस साइड में कोई एक्सेलेरेशन ही नहीं है, तो ये तो यू स्पीड कांस्टेंट है, तो जब तक आगे जाएगा तब तक यू स्पीड से चलता रहेगा। मतलब यहाँ पे इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, उस वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा Vx, उसकी वैल्यू u ही होगी, वर्टिकल वाले की चेंज हो जाएगी। आया ना? अच्छा शुरुआत में जो नेट वेलोसिटी है वो वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल में, मतलब वर्टिकल में इसका कोई कंपोनेंट आएगा क्या? नहीं आएगा। आया ना? वर्टिकल की वेलोसिटी क्या है? जीरो है। अरे आया ना? तो एक साथ ये कह रहे हैं कि अपन यहाँ से ड्रॉप कर रहे हैं कुछ हाइट h से, वर्टिकल के मोशन को स्टडी करने के, राइट? और ये h हाइट ड्रॉप हो रहा है, आया ना? अच्छा मेरे को जब टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो कौन से मोशन की बात करूं, हॉरिजॉन्टल वाले की या वर्टिकल वाले की? सर वर्टिकल, वर्टिकल वाले की, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वाला तो बस हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट चलता रहेगा, जब तक yes. नहीं गिरेगा तब तक हॉरिजॉन्टल में चलता रहेगा। भाई गिरने का काम किसका है? वर्टिकल का ना, एच हाइट उसके लिए फिक्स है कि उसको एच हाइट ही ट्रेवल करना है, उसके बाद वो मोशन खत्म हो जाएगा, राइट? हाँ सर। तो टाइम ऑफ फ्लाइट वर्टिकल के मोशन से देखी जाती है, और आपको पता है कि अगर कोई चीज को ड्रॉप करते हैं और उसको एच हाइट ट्रेवल करना है तो उसको कितना टाइम लगता है? इस मोशन को होने में कितना टाइम लगेगा? आपने रेक्टिलिनियर में पढ़ा है इसको, टू बाय जी होता है शायद, टू एच बाय जी, टू एच बाय जी सर, राइट? देखो कैसे आपको एक्स डिस्प्लेसमेंट हो गया, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एच स्क्वायर, यू की वैल्यू जीरो, हाफ जी इंटू टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर आ गया टू एच बाय जी। अरे हाँ या ना? यस सर। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया टू एच बाय जी, अंडर रूट टू एच बाय जी। अब इतनी देर में हॉरिजॉन्टल में कितना चल लेगा? तो रेंज तो यू स्पीड से कवर कर रहा है ना हॉरिजॉन्टल का मोशन तो, राइट? कितनी देर तक? टी टाइम तक। ये किसके बराबर आएगा? यू इंटू अंडर रूट ऑफ टू एच बाय। तकलीफ है क्या? अरे है क्या? नो सर। अगर आपको ये बोले कि स्पीड विद विच इट हिट्स द ग्राउंड, इट हिट्स द ग्राउंड, ग्राउंड को किस स्पीड से हिट करेगा?
मतलब यहाँ पे ये हिट करेगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो उससे निकल सकते ना v स्क्वायर। हॉरिजॉन्टल में u स्पीड होगी, वर्टिकल में कितनी होगी? जीरो से छोड़ा तो वर्टिकल में जब h स्पीड पे नीचे गिरेगा तो इसकी स्पीड होगी रूट टू जी एच। अरे हाँ है ना? यस सर, यस सर। वर्टिकल की स्पीड होगी रूट टू जी एच। आप निकाल सकते हो, अगर आपको याद नहीं है तो, किस फॉर्मूले से? वी वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई का स्क्वायर प्लस टू ए वाई एस वाई। हाँ है ना? यस सर। यू वाई जीरो है तो टू जी एच, ये देखिए ए की जगह एच और एस की जगह एच, ये v square हो जाएगा, तो v की वैल्यू रूट टू जी एच, राइट? अब दो स्पीड है, एक हॉरिजॉन्टल में तो u है, वर्टिकल में रूट टू जी एच है, और आपको नेट स्पीड बतानी है। v नेट कितना आएगा बताइए? u square plus 2 जी एच अंदर आया ना? यस सर। आगे चलो। यस सर, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ सर। सर किसी और का आ रही
नहीं नहीं सर को चैट में लिखते हैं आई थिंक सर डिस्कनेक्ट हो गए अभी आवाज आ रही है सभी को हाँ सर अभी आ रही है सर इतनी देर से नहीं आ रही अभी आ रही है ना यस सर अभी आ रही है यस सर तो यहाँ पे अपने t इक्वल टू जीरो से इसको प्रोजेक्ट किया और t इक्वल टू t पे ये यहाँ पहुंचा इसका जो हॉरिजॉन्टल का डिस्प्लेसमेंट है x वो तो कांस्टेंट स्पीड से हुआ है सही बात कर रहा है हर टाइम पे इसकी हॉरिजॉन्टल की स्पीड कांस्टेंट रही है यस तो x को लिख दिया ut तो वर्टिकल का जो मोशन है वहां पे g एक्सेलरेशन पाया है राइट यस वर्टिकल की शुरुआत की वेलोसिटी शुरुआत में तो वेलोसिटी की आपने हॉरिजॉन्टल में दी तो वर्टिकल का डिस्प्लेसमेंट लिखूंगा हाफ gt स्क्वायर क्योंकि ut की वैल्यू 0 है सही बात अगला बात अब इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी के लिए मैं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी निकाल रहा हूँ इसमें अपन y एज ए फंक्शन ऑफ x निकाल रहे हैं आया ना y एज ए फंक्शन सर ut जीरो कैसे पूछिए सर वो सेकंड वाले में वर्टिकल वाले में ut जीरो कैसे भाई वर्टिकल की स्पीड तो इनिशियली जीरो है ना इनिशियली आपने क्या दिया आपने यहाँ से हॉरिजॉन्टल की स्पीड दी है वर्टिकल में कोई स्पीड दी है कि आपने टेढ़ा फेंका है क्या इसको हाँ सर ओके सर ये अपन वर्टिकल का मोशन पढ़ रहे हैं तो उसमें वर्टिकल की स्पीड देखेंगे ना यस वर्टिकल की स्पीड जीरो है अब वाई और एक्स में रिलेशन निकालना है तो एक्स यहाँ से टी की वैल्यू कितनी आई एक्स बाई वी राइट इसको यहाँ पे पुट कर देंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी हाफ g इंटू एक्स बाई यू का होल स्क्वायर सही बात है बेटा तो y आ जाएगा g एक्स स्क्वायर अपॉन में टू यू स्क्वायर आवाज आ रही है सभी को यस सर यस सर कम आ रही है क्या नहीं सर नहीं सर बराबर है एक बच्ची बोल रही है सर कम आ रही है तो u is equal to dx square upon में 2 u square ये y आया लेकिन ये y देखिए नीचे की डायरेक्शन में है ना मतलब मैं अगर इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी बोल रहा हूँ तो मैं ये मान रहा हूँ कि लेट अस सपोज ये x एक्सिस है राइट और ये y एक्सिस है और जिस पॉइंट से आपने प्रोजेक्ट किया ना वो ओरिजिन है अरे हाँ है ना तो जो आपका प्रोजेक्टाइल हो रहा है उसमें एक्स तो पॉजिटिव होगा उसके पाथ में एक्स तो पॉजिटिव होगा लेकिन वाई क्या होगा नेगेटिव अरे हाँ है ना ये पॉइंट होगा एक्स को मैं वाई तो वाई को मैं नेगेटिव लिख रहा हूँ तो माइनस का जी एक्स स्क्वायर का अरे हाँ negative ये कोऑर्डिनेट है y कोऑर्डिनेट है ये और वो y डिस्टेंस है समझ में आ रही है बात सर सर ये y नेगेटिव वाला पार्ट फिर से एक्सप्लेन कीजिए ना समझा हां तो तुम सुनो तो सर एक बार मैं एक्सप्लेन कर ही रहा हूं अभी तक ये देखिए मैंने इसको x एक्सिस मान लिया और इसको y एक्सिस मान लिया राइट अब आपका पार्टिकल नीचे जा रहा है तो उसका y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होना चाहिए नेगेटिव होना चाहिए नेगेटिव नेगेटिव तो एक्स को मैं माइनस वाई होना चाहिए ना ये दूरी वाई है सही बात है गलत बात यस ये तो दूरी हो गई दूरी होगी तो दूरी तो कभी पॉजिटिव या नेगेटिव दूरी तो कभी नेगेटिव होती नहीं है ये तो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई है ये आया ना यस सर वो तो पॉजिटिव होगी लेकिन अगर आप वाई कोऑर्डिनेट की बात करोगे तो वो क्या लिखोगे माइनस वाई लिखोगे इसलिए यहाँ पे आगे माइनस साइन लगाया दिस इज वाई कोऑर्डिनेट अरे हाँ है ना सर हमने ये क्वाड्रेंट के हिसाब से नहीं देखा क्या है सर हमने ये क्वाड्रेंट के हिसाब से नहीं देखा है क्वाड्रेंट के हिसाब से तो देख रहे हैं भाई ये कौन सा क्वाड्रेंट है ये फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया ना तेरा जिसके अंदर मोशन हो रहा है इसमें एक्स पॉजिटिव है वाई नेगेटिव है मैं ये कोऑर्डिनेट लिख रहा हूं सर हम
सर हम तो फिर ऐसे किसी भी क्वाड्रेंट में इसे अज्यूम कर सकते हैं ना, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी अज्यूम कर सकते हैं। किसी को भी जनरली पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को ओरिजिन माना जाता है इसलिए, राइट? ओके सर, यस सर, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को ओरिजिन माना जाता है ना इसलिए बोला, क्योंकि अपन जो भी एक्सप्रेशन लिखते हैं वो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के रिस्पेक्ट में लिखते हैं कि वहां से चालू किया, राइट? हाँ सर। समझ में आया बेटा सभी को? यस। इससे बच्चों को कोई भी तकलीफ है? नो। एक मिनट प्रीवियस पेज देख लो भाई तुम लोग। आज के लिए हो गया क्या? हाँ जी, और आज के लिए हो गया क्या? क्या बोल रहा है यार, जोर से बोल। सर आज इधर तक ही पढ़ेंगे क्या हम, वो पूछ रहा था। क्यों पढ़ना चाह रहा है सर? क्या नहीं नहीं आगे पढ़ेंगे, क्वेश्चन और करेंगे सर। कॉपी कर। अच्छा कॉपी कर रहे हो क्या? सर हो गया कॉपी। सर आवाज नहीं आ रही आपकी।